हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द फाइनेंस ऑफ सीमेंट यूजिंग द ब्लेन एयर परमाबिलिटी मेथड एंड हाउ टू फाइंड आउट बेड वॉल्यूम, वेट ऑफ सीमेंट एंड फैक्टर ऑफ ब्लेन्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट लॉट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज रेगुलरली। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स कास्टिंग एसेंशली ऑफ ए मीन्स ऑफ ड्रॉविंग ए डिफिनेट क्वांटिटी ऑफ एयर थॉट ए प्रिपर्ड बेड ऑफ सीमेंट ऑफ डेफिनेट पोरोसिटी। द फाइनेंस इज एक्सप्रेस्ड एज ए टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ब्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड यूजिंग सम ऑपरेटर्स measuring instrument, weighing balance and ब्लेन एयर permeability apparatus. As you can see in the video, this is the ब्लेन एयर permeability apparatus. Let us tell you practically in very simple language. दोस्तों, जैसा कि आपने ब्लेन एयर permeability apparatus को देखा, इसमें एक यू शेप का ट्यूब होता है जिसको मैनोमीटर्स कहते हैं। उसमें एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम डाइब्यूटाइल फैथलेट और लाइट मिनरल्स आयल्स डालते हैं। मर्करी रिएजेंट ग्रेड का यूज होता है। स्टॉप वॉच एंड प्लंजर्स एंड परफोरेट डिस्क फनल फिल्टर पेपर एंड वेइंग बैलेंस यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द वेट वैल्यूम। वेट वैल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम प्लंजर्स में परफोरेट डिस्क डालेंगे एंड उसमें दो फिल्टर पेपर डालेंगे जो बिल्कुल साइज का होना चाहिए सेल्स के। तो उसमें हमने साइज का फर्स्ट प्लंजर में हमने डाल दिया एंड सेकेंड वापस से उसमें हम फिल्टर पेपर डालेंगे और उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक सेल से उसको टच करेंगे अंदर की तरफ एंड एक क्लीन ग्लास रॉड से उसको प्रॉपर नीचे की तरफ बिठाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर हम इसको वेट कर लेंगे और इस प्लंजर का वेट टेयर कर लेंगे एंड प्लंजर में हम मर्करी लिक्विड डालेंगे एंड एक क्लीन ग्लास से इसके सरफेस को प्लेन करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस हमारा प्लेन हो चुका है, सो फिर वेट ले लेंगे और ये वेट जो है फर्स्ट वेट होगा और वेट को हम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ मर्करी का ही वेट लिया है, जैसा कि आपको बताया था कि हमने प्लंजर का वेट जो है टेयर कर दिया था। देन हम मर्करी को ट्रांसफ़र कर देंगे रिएजेंट बॉटल में एंड परफोरेट डिस्क एंड फिल्टर पेपर को भी वापस बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम पहला एक अनुमानित वेट ले लेंगे सीमेंट का, जिससे जितना हमको वेट बन सके। सो हम 2.8 ग्राम सैंपल लेंगे सीमेंट का, देन प्लंजर्स को क्लीन करने के पश्चात उसमें परफोरेटेड डिस्क को हम वापस से डालेंगे एंड
एक फिल्टर पेपर डालेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से बिठाएंगे अंदर, जिसके थ्रू लीकेज न रहे। एंड देन उसमें जो वेट किया हुआ सीमेंट है उसको वापस से इस प्लंजर के अंदर हम बिना लॉस हुए हम सीमेंट को प्लंजर के अंदर डालेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। पूरी तरह से ट्रांसफ़र करने के पश्चात हम कीप को बाहर निकालेंगे एंड ये ट्राई करेंगे देखने का कि प्रॉपर से सेल उसमें बैठ रहा है या नहीं। अगर सेल्स प्रॉपर बेड जो है नहीं बैठेगा तो ये हम प्रोसेस दोबारा करेंगे सीमेंट का वेट कम करके। तो उसमें हम फर्स्ट सीमेंट हमने क्या लिया, परफोरेट डिस्क लिया, फिर फिल्टर पेपर लिया, देन वापस से फिल्टर पेपर लेंगे और प्लंजर से उसको थोड़ा नीचे करेंगे और उसको बिठाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से अगर बैठ जाता है तो प्लंजर से सेल को वापस निकालेंगे एंड फिर उसको वेट करेंगे वेइंग बैलेंस पे एंड वापस से उसके वेट को टेयर कर देंगे। टेयर मींस उसको वेट को जीरो करेंगे एंड अप्लाई करेंगे इसमें वापस से, इसमें हम मरकरी को फील करेंगे। जैसा कि पहले हमने मरकरी को भरा था, इसमें सीमेंट और मरकरी दोनों रहेंगे, बट हमको वेट जो है सेकेंड वेट भी मरकरी का ही लेना है। तो इसके अपर लेयर को प्लेन करेंगे एक ग्लास की मदद से, जिसका सरफेस प्लेन हो, एंड देन वापस से उसका वेट लेंगे। टेयर पे ही वेट लेना है, देन जो वेट आया उसको नोट डाउन कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है जो कि W1 - W2/D। जो W1 है वो फर्स्ट वेट है, माइनस W2 जो है वो सेकेंड वेट है। यहाँ पे भी जो है बल्क वैल्यू ऑफ सीमेंट है जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, एंड डी जो है मरकरी का डेंसिटी है जो कि मिलीग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है। ये डेंसिटी टेम्परेचर पे निर्भर करती है। तो हम डेंसिटी अलग अलग डेंसिटी को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिस्ट वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वेट माइनस सेकेंड वेट डिवाइड बाई डेंसिटी इजकल टू 1.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा वेट ऑफ वैल्यूम आया। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है हमको फाइंड आउट करना है ऑपरेटर्स का कांस्टेंट वैल्यू। उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा मास ऑफ द सीमेंट। हम सीमेंट कैसे फाउंड आउट करेंगे कि कितना वेट लेना है, तो उसके लिए फार्मूला है डेंसिटी इंटू वेट ऑफ वैल्यूम इंटू 1 - E, जहां W क्या है, एक वेट है स्टैंडर्ड सीमेंट का, जिसका सीमेंट वेट ऑफ पोरोसिटी दिया हुआ है E इक्वल टू 0.5। इसको हम W इक्वल टू 0.5 इंटू
डेंसिटी इनटू वेट ऑफ वैल्यू बता सकते हैं। जो डेंसिटी है यहाँ पे स्टैंडर्ड सीमेंट का सीआरएम का डेंसिटी है, जो कि हमको स्टैंडर्ड सीमेंट का डेंसिटी पहले से पता रहेगा एंड पोरोसिटी भी पहले से मालूम रहेगी। सो डब्ल्यू इजकल टू 3.14 इंटू 1.86 डेंसिटी इंटू पोरोसिटी, तो कैलकुलेट करने पे हमारा 2.92 हमारा वेट आ गया कि सीमेंट हमको कितना ब्रेन निकालने के लिए, फाइनेंस निकालने के लिए कितना सीमेंट लगेगा। तो वापस ने से हम सीमेंट का वेट ले लेंगे उतना, एंड फिर परफोरेट डिस्क डालेंगे और एक फिल्टर पेपर डालेंगे और 2.92 ग्राम सीमेंट वेट करके हम वापस से प्लंजर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। देन प्रॉपर तरीके से उसमें फिल करेंगे एंड वापस से एक फिल्टर पेपर प्लंजर के अंदर डालेंगे और सेल्स के थ्रू बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको अंदर की तरफ डालेंगे। देन रोटेट करके 90 डिग्री वापस से प्रेस करेंगे। देन प्लंजर को सेट करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर से। देन सेल्स को स्लोली बाहर निकालेंगे एंड देन वाल्व ओपन करेंगे एंड एयर प्रेशर देंगे लिक्विड को टॉप मार्क तक आने तक। टॉप मार्क तक आने के बाद वाल्व को बंद करेंगे और टाइमर सेकेंड मार्क से थर्ड मार्क तक आने तक वॉच स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेंगे और जो भी रीडिंग आती है सेकेंड मार्क से थर्ड मार्क तक लिक्विड को आने में जितना सेकेंड लगता है वहीं पे हम स्टॉप वॉच को बंद करेंगे और टाइम को नोट डाउन करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस हम 3 बार करेंगे। देन एवरेज टाइम को हम नोट डाउन कर लेंगे एंड कैलकुलेशन के माध्यम से निकालेंगे के वैल्यू को। कैलकुलेशन आपका के इजकल टू एस अपन अंडर रूट टी एवरेज, वेयर के कैलिब्रेशन कांस्टेंट है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम और मीटर स्क्वायर पर केजी में हम निकाल सकते हैं। यस जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया है जो कि स्टैंडर्ड सीमेंट सैंपल का ऑलरेडी हमको दिया रहेगा एंड टाइम हमने फाइंड आउट किया है। के इजकल टू 419 अपान अंडर रूट 26 जो कि के इजकल टू 82.17 मीटर स्क्वायर पर केजी में हमारा के फैक्टर निकल के आया है। के फैक्टर निकालने के लिए जो भी प्रोसेस मैंने बताया आपको वो उसी प्रोसेस से आगे आप सीमेंट का ब्लेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन आपका हो जाएगा एस इजकल टू के इंटू अंडर रूट टी, जहां के आपका कांस्टेंट फैक्टर है इंटू टी आपका एवरेज टाइम है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।